आईने तेरे से तेज बोल लगता है मुझे। ये मोटी इतना गिर गया है फुटेज के लिए कि हमारे अभिषेक भाई के साथ बातों बातों पे झगड़ा करती है। इसको ये भी पता नहीं है कि तू जब शो से बाहर रहेगी जनता तेरी क्या लेने वाली है। तू खड़ा होकर रह भी नहीं पाएगा जमीन पे। को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश ऐसी हुई है। परवरिश भाई कौन परवरिश के बारे में बात कर रहे थे को? खैर आप सब लोग वीडियो को पूरा देखो, इसको आगे पूरा ले लिया हूँ मैं, आप सब लोग वीडियो को पूरा देखना। अरे रुक जाओ गाइस, क्या ऐसे वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब वीडियो नहीं देखो ऐसे, मतलब ये ब्लॉगिंग टाइप का स्टाइल में आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बिग बॉस से रिलेटेड। और आप सबको पता होगा कि जो जो लोग बिग बॉस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उसका एक सुंदर सेटअप होता है, स्क्रिप्टिंग करते हैं उसके बाद वीडियो बनाते हैं, पर मेरे पास वो सब कुछ भी नहीं है। मैं बस ग्राउंड पे आ चुका हूँ और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ। बट मैं ये कसम मतलब दावे के साथ बता सकता हूँ आपको एंजॉय बहुत आएगा, सबके लेने वाला हूँ मैं आज की वीडियो में, ठीक है? आप सबको पता है बिग बॉस अभी कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो चलो आप सबको ज़्यादा बोरिंग नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है आप सबको ये सब चीज़ जो बता रहा हूँ ये सब बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि मेरे को भी लगता है यार। मैं जब यूट्यूबर का वीडियो देखता हूँ मेरे को मैं भी स्किप कर देता हूँ, मतलब आप लोग नहीं करना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि इस बार बिग बॉस में बहुत सारे यूट्यूबर है, उसमें से एक है अभिषेक भाई यानी हमारा फुकरा इंसान। अब में से मतलब बहुत सारे लोग होंगे कि उसको पता है कि ये निश्चय भाई के भाई है यानी कि ट्रिगर इंसान का भाई। बट मैं जब उसको पहली बार देखा था ना, सच बता दूं मुझे निश्चय भाई के बारे में मतलब ट्रिगर इंसान का भाई है इसका कुछ भी मालूम नहीं था। ट्रिगर इंसान को भी मैं देखता था, पुकरा भाई को भी मैं देखता था, बट मुझे पता नहीं था कि ये दोनों भाई भाई है। फिर जाके मैं वीडियो देखता गया और ऐसे मतलब वो हुआ, वीडियो देखते देखते सब कुछ पता भी चल गया। मतलब वाकई में मैं पुकरा भाई का बहुत बहुत बड़ा बिग फैन हूँ, बहुत बड़ा। ट्रिगर इंसान का तो हुई बट पुकरा इंसान दिल से सपोर्ट, बहुत बड़ा फैन हूँ इसका। आप लोग भी अगर पुकरा भाई का फैन हो तो प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो यार, क्योंकि मेरा चैनल बंद हो गया है। प्लीज भाई वायरल कर दो वीडियो। अब एक बात बताओ गाइस कि आप जिसे सबसे ज्यादा पसंद करते हो अगर उसे कोई डीफेम करने की कोशिश करते हैं तो क्या आप लोग चुप रहोगे? मैं तो भाई बिल्कुल नहीं रहने वाला, सच बता रहा बिल्कुल भी नहीं, मैं उसका ले लूंगी। तो गाइस इस विकेट के बाद में एक टास्क था कि कौन किसके पीठ पीछे बात करता है ये गेस करना पड़ेगा कि कौन ये बात किया है। तो ऐसे ही जिया शंकर को बुलाती है, उसके बाद एक मतलब वीडियो नहीं एक टेक्स्ट दिखाती है कि कोई बोलता है एक बंदा की बोलता है कि ये डॉटर डॉटर बोल के फिर बीसी वर्ड यूज करता है। बीसी मीन्स आप सबको पता है, ठीक है? बट ये क्या है पता है? पहले आप सब लोग ये वीडियो देखो। ये मेरी बेटी जैसी है, डॉटर डॉटर बोल के वीकेंड के बाद के वीडियो में भाई दिखाया कि भैंस ये वर्ड को कट करके भैंस की आंख वर्ड को कट करके भैंस को दिखाया जाता है। मतलब इतना डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभिषेक भाई मनीषा रानी को बोल रहे हैं कि डॉटर डॉटर बोल के भैंस बस कट कर दिया, मतलब समझ रहे हो? बट वो वर्ड है क्या आप सब लोगों को दिखाया कि डॉटर डॉटर बोल के भैंस की आंख ऐसे कुछ था, मतलब हाँ भैंस की आंख ही था, 100% भैंस की आंखें था, उसको उन लोगों ने बीसी वर्ड कर लिया। मतलब समझो कितना डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारा फुकरा भाई दिल से अच्छा, सबको भी पता है, उसको पता नहीं था, उसको वो बोल रहा था कि भाई मैंने बताया तो था ये वर्ड की, लेकिन वो लास्ट वाला गाली मैंने नहीं दिया था। फिर अपोलॉजी भी किया, कान पकड़ के सॉरी बोला, मैंने कुछ गलत कह दिया हो और जो अगर शायद मैंने बिना रियलाइज करके कहा हो और देखो बुरा लगा तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ उस चीज के लिए। एक तो बिग बॉस वालों और ये टीवी आर्टिस्ट लोग क्या समझ रहे हैं कि यूट्यूबर वालों को मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। पता है तुम लोग जितना मतलब कमाते हो ना पूरा महीने में, ये लोग तो हगने में खर्च कर देते हैं भाई, सच बता रहे तो इतना पैसा है इन लोगों के पास, फिर भी भाई कुछ नहीं बोलते हैं। खैर इन लोगों के बाद मैं होता तो एक बात तो बिग बॉस वालों को पता चल गया कि यूट्यूबर लाओ रीच बढ़ाओ, इसलिए तो कल भाई एल्विस यादव को एंट्री करवा दिया। बट एल्विस यादव के बारे में मैं एल्विस भाई के बारे में बाद में बात करता हूँ, क्योंकि अभी और भी कॉन्टेस्टेंट है उसके सबकी लेनी है। अभी तो अभिषेक भाई आप सब लोग कमेंट में भाई लगाना स्टॉप डिफेंडिंग फुकरा इंसान, क्योंकि भाई हम लोग ही कह सकते हैं जो कि इस उसको मतलब क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस क्या बोलते हैं यार जो भी है। अब आप लोग इस चीज को देखो गाइस, ये एक ट्रैक है, नहीं ये वो है क्या बोलते हैं सोफा नहीं है, सॉरी यार मेरा गलती हो जा रहा है बार बार, ये तो एक वो है, ये तो हमारा मतलब मेरा ट्विंटिन मजी है भाई जिसको हमारा निश्चय भाई से प्यार हो गया। यार निश्चय भाई अब कैसे मतलब रोस्ट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, वो तो प्यार करती है इसको, बस इसको पता ही नहीं कि उसको ऑलरेडी ले ली है। और कितना धूप देखो फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे, तो वीडियो को लाइक कर दो और इस बेबी का ध्रुवी के लिए भाई कॉमेंट में जितना हो सके दे दो, ठीक है?
चलो अब अगली बात ना, इसको तो और भी लेना है, इसको इसके बारे में मैं थोड़ा और भी बताता हूँ आपसे। ये एक एस्ट्रोलॉजर की बेटी है, बहुत ही नामधाम है उसके पिता की, मैं भी सम्मान करता हूँ ठीक है, बट इसको कौन समझाएगा कि एस्ट्रोलॉजर की बेटी होने से कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाता यार। ये टुनटुन को समझाएगा कौन ही, मतलब हद है। किसी को साथ अच्छा रिलेशन होता है तो उसको अच्छा कहते हैं, किसी के साथ बुरा रिलेशन होता है तो उसको बुरा कहते हैं। मतलब मेरे साथ समझ लो उसका आपके साथ अच्छा है ठीक है, पहले अच्छा है तो आप सबको बहुत, मुझे पता था तू पहले दिन से ऐसे है, बहुत अच्छा है इसलिए मैंने तेरे साथ फ्रेंडशिप किया, ऐसा किया वैसा किया। फिर जैसे ही तुम्हारे साथ वो झगड़ा कर जाएगा, भाई मुझे पता था तू ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह, मतलब इतना ब्ला 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 करते हैं भाई, दिमाग खराब होता है। बट मजा तो आता है इसलिए टीआरपी भी मिल जाए बिग बॉस वालों को। बट उसको समझाया कौन भाई, मैं हम लोग जनता देख रहे हैं बिग बॉस, तुम जो ऐसे कह रहे हो अब पैसा देके भी कोई मतलब वो नहीं करवाएगा फेस रीडिंग, इससे इसका फेस रीडिंग इसी के पास रखो भाई। अब मतलब इसके बाद भी अगर कोई फेस रीडिंग इसके मतलब करवाते हैं ना भाई, उससे ज्यादा तो मूर्ख कोई नहीं है। मैं सच बता, आप लोग समझदार हो भाई, उससे ज्यादा मूर्ख कोई है कमेंट में बताना ठीक है, अगर कोई फेस रीडिंग करवाता है उससे तो। छोड़ो भाई इसके बारे में जितना कम बोले उतना ही मेरा फायदा, ऐसे ही भाई मुझे डर लग रहा है वो भाई फेस रीडिंग करके मेरे कुछ ना कर दे, ये स्टाइल किसका है पता है ना। जिया शंकर, ओहो क्यूटनेस की दुकान, भाई तुम लोग जो भी बोलो, जो दोगली वगैरह जो भी बोलो, मेरे लिए तो ये अफसर आए भाई। मतलब तुम लोग जो इसको दोगली कहते हो ना आप सब लोग, मैं सच बता रहा हूँ तुम लोग झूठ मतलब थोड़ा गलत हो यहाँ पे, वो बहुत इनोसेंट है यार, सच बता रहा हूँ बहुत इनोसेंट, बहुत ही अच्छा लगता है इसको। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो उसका एक प्रॉब्लम है कि वो सबके पास जाता है और खुलकर बता देती है, यही एक प्रॉब्लम है। देखो आप लोग भी देखोगे कि जब अविनाश सचदेव और फलक के साथ रहती है तो अभिषेक मतलब भाई के साथ जो भी बात कहती है सब बताए थे, अभिषेक भाई के साथ जब रहते हैं उन लोगों के बात सब कहती थी, यही बस एक प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। मतलब लड़की में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इनोसेंट है। मैं तो चाहता हूँ भाई मेरे भाई मतलब अभिषेक भाई और इसका कुछ हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मनीषा रानी, इसके बारे में क्या कहना, ये हमारे भाई के प्यारी बहना, भाई 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 अभिषेक भाई और इसकी जो रिलेशनशिप बॉन्ड है ना, जैसे कि हमारा और आपका मतलब ऐसा रिलेशनशिप बॉन्ड है, कभी लड़ाई हो जाता है कभी, मतलब जितना भी लड़ाई क्यों ना हो इन दोनों का साथ हमेशा रहेगा। मैं अभी लिख देता हूँ, ऐसे भी पूरे पब्लिक के सामने मनीषा रानी ने बोला है कि भाई मैं पूरे बिहार की मतलब बोला है ना कुछ एपिसोड में, मैं सबके सामने बोला था हूँ अगर यहीं पे कोई है तो ये अभिषेक है जो मेरा साथ देती है, मेरा फ्रेंड है बस ऐसा। और अभिषेक भाई भी इसको बहुत मतलब बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब बहन भाई सब कुछ फ्रेंड, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है बस सच बता रहा हूँ। और मनीषा रानी ऐसे भी बिहार की रानी, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है बिहार की लड़की नहीं बस मतलब अच्छी होता है, मुझे जितना पता है उन लोगों से बहुत बेटर है जैसे है और भी लड़कियाँ सबको पता है, मैं नाम नहीं बोलूँगा। हाँ सायरस बलोचवा का बात करते हैं, चलो सायरस 21 दिन था सही, उस दिन निकाल दिया उसको बिग बॉस से, मतलब वो खुद ही निकल गए। बस जब निकालने से पहले वीकेंड का बाद में जब मनीषा रानी के साथ डांस किया था लैला सॉन्ग में भाई, पूरा 28 दिन का टीआरपी दे गया उसी दिन। मैं इतना हंस रहा था घर पे, मेरे घर वाले बोल रहे थे भाई क्या हुआ ऐसे वगैरह वगैरह जो भी, मतलब बहुत ही हंसी आया था बहुत। आप सबको भी शायद से बहुत हंसे होंगे, मतलब कमेंट में बताना बहुत हंसे होंगे शायद। मैं तो बस मनीषा दी को यही कहना चाहता हूँ ऑल दी बेस्ट। अब आता हूँ नकली रानी पूजा भट्ट, डॉटर ऑफ भट्ट, हाँ महेश भट्ट की बेटी, जो कि बात बात पे कहते हैं मैं महेश भाग की महेश, अरे भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, वो कैसे बोल रही थी यार, मैं महेश भाग की महेश भट्ट की बेटी हूँ। ये विमल खाने की दुकान पर हमारे अभिषेक भाई की परवरिश पे बात कर रही थी, परवरिश पे बोल रहा था कि ऐसा ऐसा, इसकी परवरिश देखो क्या आप लोग, देखो ये जो तस्वीर पे आप लोग इंसान को देख रहे हो ना, जो कि कर रहे हैं ये गंदा काम, गंदा नहीं है मतलब मूवीज वगैरह में चलते हैं, बट ये जो काम कर रहे हैं ये उसकी बाप है महेश भट्ट समझ रहे हो, और ये इसकी बेटी क्या विमल रानी सॉरी नकली रानी, वो बोल रहे हैं हमारा पूरा भाई यानी कि अभिषेक भाई की परवरिश पे बात उतार रही है। भाई वो अच्छा है, तुमको कुछ बोला नहीं है, अगर मैं या फिर कोई एल्विस भाई होता ना तो आपको पहल देता है, मैं सच बता रहा हूँ तो आप मतलब शुक्र करो कुछ बोला नहीं, बट आप जब बाहर आओगे ना बिग बॉस हाउस से तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना गंदा काम किया है अभिषेक भाई के साथ। छोड़ो गाइस इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वरना इसकी परवरिश और मेरी परवरिश में कोई तफात कोई मतलब क्या बोले डिफरेंस नहीं रहेगा, तो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ,
कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। आप सब लोग इसको ले लेना, मुझे पता है आप सब लोग कैसे ले सकते हो। और राइट गाइज, बस कुछ सारे कॉन्टेस्टेंट बाकी रह गए, उसको मैं अगली वीडियो में लेने वाला हूँ। एलिस भाई बाकी रह गए, उसके मैं अगली वीडियो में बताता हूँ आप सबके बारे में। थोड़ा बहुत लफड़ा हुआ है एलिस भाई और कुकरा भाई के अंदर। एक बात है भाई कि देखो, दोनों ही हमारे कम्युनिटी से है, तो दोनों ही कोई इक्वल सपोर्ट देना भाई। एक तो कुकरा भाई 3 हफ्ते से अंदर है और ये एक दिन आया है, तो ऐसा होगा ही कि एक दिन में किसी को समझ नहीं सकते, और वो 3 हफ्ते से है तो विनर। आप सब लोग जाहिर सी बात है दोनों के इक्वल देना। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्ला 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 सब कुछ कर देना, और प्लीज डू सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।